कोतवाली थाना क्षेत्र के अली नगर से गंगे चौराहा के पास पुरुषोत्तम दास रईस के मकान के सामने झोपड़ी डालकर गैस रिपेयरिंग और रिफिलिंग का काम करने वाले 70 वर्षीय एक व्यक्ति की दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग से विस्फोट हो गया और भीषण आग लग गई, जिसमें रिपेयरिंग करने वाले 70 वर्षीय बाकेलाल कसेरा पूरी तरह से जल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित जिला और पुलिस अधिकारी ने 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, आर्य नगर उत्तरी निवासी बांकेलाल कसेरा 20 से 25 वर्षों से गैस रिपेयरिंग एवं रिफिलिंग का काम करते थे। पुरुषोत्तम दास के बाउंड्री वाल के सामने सड़क पर ही एक टेंट डालकर अपना व्यवसाय करते थे। बृहस्पतिवार की शाम को गैस रिफिलिंग के दौरान हुई शॉर्ट सर्किट से सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे दुकान में आग लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बांकेलाल के एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जो सभी विवाहित हैं। घटना की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान शॉर्ट सर्किट का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि झोपड़ी डालकर अस्थायी रूप से दुकान करने वाले को बिजली विभाग ने कनेक्शन किस आधार पर दे दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक बांकेलाल कसेरा के पुत्र धर्मेंद्र तथा स्थानीय पार्षद जितेंद्र सैनी और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। छोटे छोटे बहुत सारे इसमें ये बेचते हैं पापा हमारे, खतरों के लिए खाली सिलेंडर खाली से सत्तर जी हाँ 65-70 घर रहिए, बाल बच्चे सब है अपना। धर्मेंद्र सिंह जी, अभी जो हादसा हुआ आपके क्या क्या लगते हैं? मेरे फादर लगते हैं। कितने दिनों से आप दुकान किए? 25 साल से करीब दुकान है ये। आज क्या सूचना मिली? हाँ, सूचना मिली कि रिपेयरिंग कर रहे थे और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पूरे जैकेट वगैरह पहने हुए थे, भाग नहीं पाए वो। और कोई तो हमको नहीं मालूम। माता जी हमारी घर पे थी। यहाँ पे एक गैस चूल्हा की रिपेयरिंग की दुकान थी, जो गैस उस खराब हो जाते चूल्हा वाले रिपेयरिंग की दुकान थी। और देखने में शॉर्ट सर्किट से लोग, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, इस शॉर्ट सर्किट से
आग लग गई और अपने दुकान को बचाने के चक्कर में स्वयं जल गया। और कोई नहीं हुआ अभी इसके बारे में? तो पुलिस से लोग छानबीन कर रहे हैं कि एक बगल में कपड़ा बेचने वाला था, गर्म कपड़ा बेचता था गरीब आदमी, उसके बारे में जान पता किया वो व्यक्ति कहाँ है, उसको नहीं कुछ क्षति हुई है। देखिए यहाँ पे अली नगर जो थाना कोतवाली में आता है, यहाँ पे एक गैस रिफिलिंग की दुकान थी, ये रोड पे ही थी। यहाँ पे श्री बाखेला जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, वो गैस रिफिलिंग का काम करते थे बताया जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ छोटे सिलेंडर भी पाए गए हैं। तो एकाएक शॉर्ट सर्किट या किसी अज्ञात कारण से आग लगी है, जिसके कारण झुलस के उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब बाकी पोस्टमार्टम वाली कार्रवाई की जा रही है और बाकी इनको जो भी आर्थिक सहायता नियमानुसार दिया सकती है उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हादसे में शिकार हुए? एक ही व्यक्ति था उस समय दुकान में मौजूद था, तो उन्हीं के साथ हादसा हुआ है, बाकी उस समय दुकान में कोई नहीं था। और अगल बगल फायर की मदद से, स्थानीय पुलिस की मदद से आग बुझा दी गई है और अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है और आगे इस पर अग्रता कार्रवाई की जा रही है।